हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम कुछ थोड़ा डिफरेंट करने जा रहे हैं। मतलब हर बार इस चैनल पर मैं तुम लोग से पहेली पूछता हूँ और तुम लोग आंसर करते हो, तो इस बार मैं भी आंसर करूंगा। यानी हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। या तुम लोग तो पहेलियां सॉल्व कर करके एक्सपर्ट हो गए हो, तो मुझे भी देखना है कि मुझे कितना आता है। डिटेक्टिव डिटेक्टिव बनोगे, वाह। चलो हम साथ में मिलकर देखते हैं। ओके, तो इस वीडियो का नाम है 12 हार्ड रिडल्स विद आंसर्स फॉर क्राइम एक्सपर्ट। बट तो तुम ही हो, देखते हैं मैं कितने का आंसर कर पाता हूँ। ओके, शाउट आउट टू 7 सेकंड रिडल्स फॉर दिस वीडियो। क्या इंट्रो है यार, मस्त। ओके, हमें 7 सेकंड मिलेगा हर रिडल के लिए। ओके, हु हैज अ गर्लफ्रेंड। इन दोनों में किसकी गर्लफ्रेंड है? ये ब्रश कर रहा है, ये शेव कर रहा है, इससे कैसे पता चलेगा? ये टाइमर तो बहुत फास्ट निकल गया यार, मुझे पूरा देखना तो अच्छे से। एक मिनट, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन गर्लफ्रेंड से इस चीज का क्या लेना देना? इसने स्लीपर्स पहने, इसने स्लीपर नहीं पहने। यहाँ पीछे एक कपड़ा है, लेकिन ये लड़की का है, इससे तो कुछ लग नहीं रहा है। ओके, यहाँ पर एक ब्रश है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर तो कुछ ग्लास व्लास ही नहीं है कि ये अपना सामान किस चीज में रखता है। भाई, ये अपना ब्रश नहीं रखता क्या? यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रश तो है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन इसका भी तो ब्रश होना चाहिए ना, एक ब्रश यहाँ पर भी रखा होना चाहिए क्योंकि ये शेव कर रहा है। देख लेना, फर्स्ट ही आंसर होगा, लेकिन थोड़ा ये अजीब सा है, मतलब सेकंड वाले के लिए, लेकिन ठीक है, देखना फर्स्ट ही आंसर। भाई हेलो, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, हु हैज अ गर्लफ्रेंड, देखते हैं। यहाँ पर क्या है? इसका रूम देखने में तो बहुत मैसी सा लग रहा है, और ये खुद साफ सफाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली अकेला रहता होगा। तो वो बॉडी शॉडी भी है इसकी? इसकी कोई बॉडी शॉडी ही नहीं है, शक्ल सेम है। ओके, इसका आंसर दिया है ये। ओके, इस कपड़े पर मेरा ध्यान नहीं गया, मतलब मेरी नजर बहुत साफ सुथरी है, देख रहे हो तुम। आंसर सही है, हम लोगों ने रूम मेसी होने से अंदाजा लगाया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये वाला एक और है, हु इज अ गर्लफ्रेंड। ये तो थोड़ा टफ लग रहा है यार, दोनों टीवी देख रहे हैं, अकेले देख रहे हैं, ये आराम से बैठ के रिमोट हाथ में लेके देख रहे हैं। इसके हाथ में रिमोट नहीं है, तो गर्लफ्रेंड के पास रिमोट है क्या? घर में रिमोट के लिए तो बहुत लड़ाई होती है, लेकिन आजकल टीवी सच में बोले तो कौन ज्यादा देखता है, आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हैं। लेकिन इसका क्या आंसर होगा? ओके, यहाँ पर एक स्लीपर है पिंक कलर का, एक मिनट, ये आंसर बताए इसके पहले, और तो यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है। आंसर ही देख लेते हैं, क्या आंसर होगा इसका, कमेंट्स। चलो भाई, मुझे तो सेकंड लग रहा है, लेकिन तुम लोग अपना व्यू पॉइंट बताओ, तुम लोग को इनमें कौन सा लग रहा है, किसकी गर्लफ्रेंड है और किसकी नहीं है? हालांकि मैं इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी गर्लफ्रेंड कभी नहीं रही। सिंगल जिंदाबाद, कवर करने के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, द पावर वॉज आउट ऑल ओवर द टाउन, पूरे शहर की लाइट जा चुकी थी। जिम वॉज इन द हॉस्पिटल दैट डे। ओके, ये हॉस्पिटल में है, ये जल्दी डिस्चार्ज होने वाला है। When the power was back on, जब पावर वापस आई, तो नर्स एंटर्ड द रूम, नर्स वापस आई एंड फाउंड जिम स्टैब्ड टू डेथ। ओके, किसी ने इसको छुरा घोप दिया। पुलिस क्वेश्चन, द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट कौन कौन है? नर्स, क्लीनिंग लेडी जो साफ करने आई होगी, डॉक्टर और जिम की वाइफ। आई वॉज इन द डॉक्टर्स लॉन्ज अंटिल द पावर वॉज ऑन। ओके, डॉक्टर्स के रूम में थी जब तक पावर आया। आई वॉज हैविंग टी इन द स्टाफ रूम। ओके, ये स्टाफ रूम में चाय पी रही थी। I was speaking to a patient. एक patient से बात कर रहे थे, ठीक है। I was buying food at the vending machine. मैं vending machine से food खरीद रही थी। इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? Okay, तो सबसे पहला clue तो हमें यही मिला था कि उस वक्त light गई हुई थी, और जब light वापस आया तो nurse आई और उसने देखा कि किसी ने उसके छुरा घोप दिया है, तो killer कौन है? और हमारे पास चार suspect है। पहले वाली ने बोला कि वो doctors के lounge में थी, second वाली चाय पी रही थी, third वाला doctor patient से बात कर रहा था, और Jim की wife vending machine से खाना निकाल रही थी। तो ये तो सिंपल है कि वेंडिंग मशीन जब बिजली चली जाती है तो काम कैसे करेगा? जिम की वाइफ इज द आंसर। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि जिम हॉस्पिटल में था, तो जिम की वाइफ ही उसको हॉस्पिटल में लाई होगी, वो ही उसका ध्यान रख रही थी, तो उसने उसको स्टैब हॉस्पिटल में ही क्यों किया? बात तो सही है, ठीक है, आंसर जिम की वाइफ ही है, ऑफ कोर्स, ठीक है। हु इज अ टेररिस्ट? Okay, ये एक मेट्रो स्टेशन लग रहा है, या फिर बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। यहाँ पे टेररिस्ट कौन है यार,
इतना जल्दी बता पाना यार, बहुत जल्दी टाइमर जा रहा है। एक मिनट, ट्रेन से कौन आया कौन गया मैंने इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया। ओके, ये दोनों माँ बेटे आए, वो आदमी और औरत चली गई, ये लोग एस्केलेटर यूज कर रहे हैं। जो टेररिस्ट होगा उसका काम होगा बॉम्ब प्लांट करके भाग जाना, लेकिन टेररिस्ट लोग अपने खुद की जान की भी कीमत नहीं रखते हैं यार। टेररिस्ट के पास बॉम्ब है तो बड़ा बैग होगा, तो ये जो लड़की है एस्केलेटर चढ़ रही है, इसके पास एक बड़ा बैग है। बुलेट ट्रेन में बैठ के वो लड़का गया, लेकिन उसके पास कोई सामान नहीं है, देख रहे हो। और एक आदमी आया, और ये आदमी सेम है, देख रहे हो। ओ, वो वाला भी सेम है जो एस्केलेटर से आ रही, तीन आदमी सेम है। तुम्हें क्या लग रहा है यार, तुम लोग पहले मेरे को एक बार कमेंट में बताओ। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरा शक उस लड़की पे जा रहा है क्योंकि उसके पास बैग और वो एस्केलेटर से ऊपर जा रही है, लेकिन बॉम्ब तो प्लांट कर दिया होगा ना, टेररिस्ट कौन हो सकता है। एक मिनट, ओके, ये वाला आदमी वो अपना सूटकेस छोड़ के चला गया। यस, यही होगा ना। मैं कब से यही तो सोच रहा था कि उस लड़की ने अपना सूटकेस कहीं छोड़ा नहीं, मैंने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया यार। ओके, ये गलत हो गया। क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया था, मेरे को कमेंट में बताना। ओके, अब यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे, एक और सिचुएशन मिला है, इसमें टेररिस्ट कौन है। ओके, यहाँ पर ज्यादा हिल नहीं रहा है, इसके पास भले वो आदमी चला गया, वो आदमी गया उसको कुछ तो उल्टा काम किया होगा। यहाँ पर एक बैग पड़ा है, अब वो उस आदमी का ही बैग है, ये तो हमें किसी ने दिखाया नहीं ना, ये तो दिखाया नहीं गया है हमें कि वो बैग नीचे गिर गया। वो औरत भी चली गई और वो भी चला गया। एक मिनट, ही क्या हो रहा है। उसने अपना पर्स देखो डस्टबिन में डाला, उसने अपना पर्स डस्टबिन में डाला है, देख रहे हो। यस यस, कोई अपने पर्स क्यों डस्टबिन में डालेगा, वही है, एग्जैक्टली वही है। लेकिन इतने छोटे पर्स में बॉम्ब होता है क्या? आंसर यही है, इस बार तो मैं धोखा नहीं खा सकता। यस, आई एम प्रो। ठीक है, यहाँ पर सस्पिशियस कौन लग रहा है। फ्लाइट फ्रॉम कैलिफोर्निया टू अलास्का, कैलिफोर्निया से अलास्का एक फ्लाइट जा रही है। हमें यहाँ पांच लोग दिखाए गए हैं और इनमें से तुम्हें कौन सस्पिशियस लग रहा है। सस्पिशियस, Who can be suspicious? It's very difficult. California से Alaska जा रहे हैं, हमें सिर्फ इतना ही हिंट दिया गया है। और इससे क्या हिंट मिल सकता है हमें, मतलब California अमेरिका में है, Alaska भी आई गेस अमेरिका में ही है क्या, मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है। और दोनों में ठंड होती है आई गेस, Alaska में तो ठंड होती है इतना तो मुझे पता है। और जहाँ तक देख के लग रहा है कि इसने कोट पहना है, इसने स्वेटर पहना है, खाली इस आदमी ने कुछ नहीं पहना, बस ये आराम से खड़ा है, यही है क्या इसका आंसर, ये व्हाइट वाला लड़का। वाओ, मुझे सिर्फ लगा क्योंकि अमेरिका में मैंने हमेशा बर्फ पड़ते हुए देखी है, यही सही आंसर निकला। और उसके बाद लगेज भी नहीं है, ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया अपना यार, सही निकला आंसर, चलो सही है भाई। कि अब यहाँ पे कौन सा स्पीशियस लग रहा है, ये उल्टा बुक पढ़ रहा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है ये उल्टा बुक पढ़ रहा है, ये किसी पे नजर रखने आया होगा, आई गेस इस लड़की पे नजर रखने आया होगा, इस लड़की ने इसे धोखा दिया होगा, उस लड़के के साथ डेट करने आ गई, बेचारा क्या कर सकता है, धोखा मिला बेचारे को। यहाँ पर तुम्हें कौन सस्पिशियस लग रहा है, कि उस आदमी की आंखें ही नहीं है, ये मुझे ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है इन दोनों के मुंह नहीं है, लिप्स नहीं है, ये ज्यादा सस्पिशियस है। और इसकी आंखें देखो पीछे की तरफ घूर रहे हैं और आईब्रोज एकदम टाइट, जैसे गुस्से में है, और ये फोटोग्राफर है, और वो लड़की बेचारी वहां लैपटॉप पे काम कर रही है। सस्पिशियस तो फिर ये लड़का ही हो सकता है, अगर ये फोटोग्राफर है तो ये स्वान का फोटो क्यों नहीं खींच रहा, पता नहीं, समझ में तो कम ही आ रहा है मुझे। तुम लोगों को क्या लग रहा है, तो इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा। ओके, ये आदमी क्यों, देयर इज नो रीजन टू वेयर अ वार्म जैकेट। व्हाट, इस बार मैंने ये जैकेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं सोचा था, हर बार एक ही कॉन्सेप्ट क्यों होगा। और वार्म जैकेट मतलब यहाँ पे कोई सन भी नहीं बनाया तुम लोगों ने, ऐसा कोई धूप आ रही है तो उसने वार्म जैकेट, यार कोई भी पहन सकता है जैकेट, ये इतना जमा नहीं मुझे रिडल। नेक्स्ट रिडल प्लीज, क्या अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वाइफ किलर है। ये वाले मेजर पहेलियां अच्छे लगते हैं, इसके चाकू पर खून लगा हुआ है लेकिन ये क्यूकम्बर काट रही है, और कोई भी अपने चाकू पर सॉस लगा के तो नहीं काटेगा भाई, तो यही है। ये तो बेकरी कर रही है लेकिन यहाँ पर हाथ भी दिख रहा है, मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। हालांकि इधर में बाउल पड़ा उस पर रेड रेड कुछ तो है, लेकिन कौन अपने चाकू पे रेड रेड कुछ लगाएगा फिर क्यूकम्बर को काटेगा, तुम लोगों ने देखा है ऐसा कहीं। वहाँ पे ओवन के अंदर हाथ क्यों है, ओवन के अंदर पूरी बॉडी तो जाएगी नहीं, देखो लगता है उस औरत ने उस आदमी के सारे टुकड़े किए, हाथ वाथ पैर को सबको उस चक्कू से काटा, तो उस वाइफ को हाथ दे दिया और बोला कि तुम उस ओवन के अंदर में डाल दो, और हम लोग आयुष को ऐसा सिचुएशन पूछेंगे कि खून मैंने किया है या तुमने किया है और वो कंफ्यूज आ जाएगा। देखते हैं ये लोग क्या इसका आंसर बताते हैं। ओवन के अंदर पूरा आदमी तो ठूस नहीं सकते हो, तो देखते हैं क्या आंसर दिखाते हैं लोग। आंसर पे आते हैं, ओवन के अंदर हाथ है, ठीक है, ओवन के अंदर हाथ, और उसका चक्कू पे इतना लाल लाल क्या है, कौन अपने चक्कू पे सॉस लगा के क्यूकम्बर काटता है, तुमने कभी खीरा को सॉस लगा के काटा है। आई हैव नो वर्ड्स।
चलो भाई इसी के साथ ही वीडियो एंड होता है। जैसे सारे पहले अच्छे लगे थे, आज का तो थोड़ा सा वियर्ड लगा। तुम लोगों ने कितना सॉल्व किया तुम लोग बताओ मुझे, और जिस जिस के आंसर मुझे नहीं समझ में आया उसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना। मैं तो देखता हूँ तुम लोगों ने कितना IQ लगाया यार। तो ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी मुझे लाइक करके बताओ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में बताओ। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे इंटरेक्शन करने में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। यार इतना ज्यादा धूप आ रहा है ना मेरी खिड़की से, मेरा पूरा चेहरा चमक है।